अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, टुडे इज संडे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो घर की रूटीन होगी। शहजादी प्रिंसेस अभी सो के उठी हैं। आयजा, टुडे इज संडे, चलते हैं आज के, लेट्स सी द न्यू व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी अभी पूरे रूम में गैस की स्मेल हो रही है। आले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए मैंने हीटर को ऑन नहीं किया। अभी हीटर को देखते हैं इसके गैस कहाँ से लीक है, क्योंकि पूरे रूम में बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये वाला। चेक किए बिना आप इसको ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रही है। घर वालों को हमेशा मेरे से यही शिकायत रहती है कि संडे के दिन मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता, घर से रिलेटेड कोई काम नहीं करता। तो आज मैं घर वालों का ये हीला तोड़ूंगा और आज इनके साथ घर की हेल्प भी करूंगा। झूठ बोल रहा है। फिर भी गीला रहेगा या नहीं रहेगा देखते हैं। सारा दिन तो आवाजें आ रही होती हैं, जो फेरी वाले चक्कर लगा रहे हैं कि वाटर कूलर दी टूटियां ठीक करा लो, आगे किचन दे चूल्हा दिया स्विच ठीक करा लो। मैं क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? किचन दे चूल्हा दिया स्विच ठीक करा लो। तो देखते हैं कि बाहर कोई, अगर कोई आया हुआ हो तो। अभी तक तो बाहर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखते हैं यहाँ पे, दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा और मौसम भी आज अच्छा खासा माशाल्लाह प्यारा है, क्लाउडी वेदर है आज। आप किधर आए हैं? बाहर किधर आए हैं आप? क्या हुआ, शर्माते हो आप? हाँ जी, ये मेरा शर्मिला पुत्र है, इसको शर्म भी आती है। शर्म आती है आपको? इब्राहिम छुपा छुपा कोई तरीका है भीख मांगने का? जी दे दो जितनी मर्जी, दुनिया जहान की चीजें ला के दे दो। सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि इस वक्त ये जो आपको चीज नजर आ रही है ना, ये है प्याज। अरे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। ये डॉलर के मुकाबले में, डॉलर का मुकाबला कर रही है इस वक्त, तो लिहाजा इसको बहुत एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है, हांडी में डालना है। तो कैसे डालना है, आपने काटना नहीं है, काटे बगैर ही आपने इसको हांडी में ऐसे डिप करना है, डिप करके ऐसे बाहर निकाल लेना, बस थोड़ा सा आसरा इसका। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ऐसे इसको डेकोरेशन के लिए यहाँ कहीं पे लटका के रखना है, यहाँ लटका दे ताकि ये लटका रहे और आपकी हांडी आपका टेस्ट देती रहे। तो आपने इसको बहुत एहतियात से यूज करना है, ठीक है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। ये जी मेरा फेवरेट ऑमलेट तैयार हो रहा है, उसके लिए प्याज काटे जा रहे हैं। तो नाश्ते में मुझे लाजमी प्याजों वाला अंडा, ऑमलेट, अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है से बड़ी। नाश्ता मेरा आ गया है, हम बल्कि मेरा नहीं, हम सब का आ गया। बच्चों को हमेशा गिला रहता है मेरे साथ कि बाबा हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं करते। ये सो रहे होते हैं जब मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? ये देखिए जी, ये है मेरा फेवरेट ऑमलेट और विद टी। ऑमलेट टी में देखें। आप क्या करेंगे नाश्ता? क्या करेंगे? ओह नो, किसके साथ खाओगे? चाय के साथ? ऑमलेट नहीं खाना? ऑमलेट खाओगे? आयजा आप क्या खाओगी? लीव इट, जब खाना और नाश्ता आ जाता है तो मोबाइल को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो मोबाइल को बंद करें, आप जल्दी से बंद करें। शाबाश, रख दें इसको मोबाइल को, इधर मुझे दे दें। वेरी गुड जी, इब्राहिम का ऑमलेट। तो जी मैंने मोबाइल लेफ्ट हैंड में पकड़ा क्योंकि मैं अभी राइट हैंड से रोटी खाने लगा हूँ। मैं सादा सा बंदा हूँ तो मैं कोई साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाता, सिर्फ एक सादी रोटी होती है और या आमलेट, कभी कभी आमलेट हो तो ठीक है, तो और साथ में एक चाय का कप, चाय का कप बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जबरदस्त रोटी के साथ साथ। बाहर के नाश्तों से माशाल्लाह, बाहर के जो नाश्ते होते हैं उनसे लाख दर्जे बेहतर है कि आप घर से नाश्ता करके निकलें। आपको हर चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है, हर चीज़ साफ सुथरी होती है माशाल्लाह। तो जी नाश्ते के बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, आज बहुत टफ रूटीन है। तो मिलते हैं अब नाश्ते के बाद।
टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बच्चों की फुफो आई है अभी, मिल रही है बच्चों। हैप्पी 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 हैप्पी। कौन आया है जी? अभी एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है। मिसहैप ये हुआ है कि मेरे बच्चों की तरफ से जो मुझे गिफ्ट मिला हुआ था, तो जो सुबह मैंने व्लॉग में भी दिखाया था आपको, ये कप टूट चुका है, इसका हैंडल यहाँ से टूट गया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, इसका ठीक करके इसको डेकोरेशन के तौर पे यहाँ ऊपर रखूँगा और चाय में किसी और कप में पीऊँगा। जी बड़ी मुश्किल से ये ग्लू गन के साथ, अभी ये हैंडल इसका जोड़ तो दिया है, लेकिन ये अब ना इसमें चाय पीने के काबिल नहीं है, तो अब इसको एज अ डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किया जाएगा। कभी कभी थोड़ी सी कुकिंग वगैरह घर में कर लेता हूँ। अभी थोड़े से आई है आयजा इब्राहिम की, तो पकोड़े बना लेते हैं चाय के साथ। तो अभी आलू को थोड़ा सा क्रश करूँगा, क्रश करने के बाद इसके पकोड़े बनाएंगे। तो इशा की अजान हो चुकी है और जमात होने वाली है, इससे पहले के जमात हो जाए पहले मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगा इंशाल्लाह ताला, फिर बाकी का ब्लॉग बाद में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा है? थम्स अप। गुड। एक साइड पे चाय भी तैयार और नीचे से बंद हो गया चला। इसका किधर है ऊपर कवर? किधर है इसको? यहाँ से इसको कवर कर दे ताकि अच्छे से नरम नरम चिप्स बन जाए। बस ये सब बनने दो, ये पक गए जी। जी चिप्स हो गए हैं तैयार बच्चों के लिए। इब्राहिम आपने चिप्स खाए? मामू बहुत गंदे क्यों? क्या कहते हैं? गाड़ी में नहीं लेके जाऊंगा, ये कह रहे थे आपको मामू, ये कह रहे थे। ओ बाबा लेके जाएंगे ना आपको गाड़ी में, नाना बाबू लेके जाते हैं ना गाड़ी में आपको, हैं पापा लेके जाते हैं ना, मामू नहीं लेके जा रहे, क्या कहते हैं? चलो अभी आपको चिप्स देते हैं। लूजर लूजर कह रहे हैं आपको, कौन कह रहा? पुप्पो कह रही है लूजर लूजर। ओ पुप्पो ऐसे नहीं कहते मेरे बेटे को, लूजर नहीं है विनर है ना। तो पुप्पो मैं लूजर नहीं हूँ। ये देखिए जी, आज संडे का एंड हो रहा है, सारे अपने अपने घर जा रहे हैं। लाइट ऑन करें प्लीज, अंदर वाली लाइट ऑन करें, अंदर वाली। ओके अल्लाह हाफिज। जी आज का ब्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, क्योंकि सुबह मंडे है और वर्किंग डे है, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।